सात अपडेट्स, जी हाँ सात बड़े अपडेट्स प्रो कबड्डी इंटरनेशनल कबड्डी से निकल के आ रहा है, वो आपको इस वीडियो में कुछ मिनटों में पता चल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपडेट के साथ। सबसे पहला अपडेट हरियाणा स्टीलर्स की टीम से निकल के आ रहा है। कल के दिन हरियाणा स्टीलर्स की टीम ने अपने नॉमिनेटेड NYPs ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है प्रो कबड्डी सीजन 11 के लिए। दो रेडर्स एंड एक ऑलराउंडर को हरियाणा स्टीलर्स की टीम ने साइन किया है। सबसे पहले ज्ञाना अभिषेक, होपफुली जो प्रोनाउंसिएशन है वो यहाँ पे सही से कर रहा हो, तो ये यहाँ पे एक रेडर है, इनको हरियाणा स्टीलर्स की टीम ने साइन किया है, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, तो अगले सीजन हरियाणा के जर्सी में खेलते हुए दिख जाएंगे। दूसरे रेडर यहाँ पे एक महाराष्ट्र से है जो कि विकास जाधव है, इनको भी साइन किया है। एंड एक ऑलराउंडर है जो यहाँ पे साहिल नरवाल है, लोकल बॉय है, हरियाणा से ही खेलते हैं एंड हरियाणा स्टीलर्स की टीम से खेलते हुए दिख जाएंगे प्रो कबड्डी सीजन 11 में। दूसरे अपडेट की तरफ बढ़ते हैं तो दूसरा अपडेट काफी पॉजिटिव न्यूज है बिहार कबड्डी को लेके। फाइनली बिहार कबड्डी फेडरेशन ने कुछ नया ट्राई किया है। कुछ ही हफ्ते पहले यहाँ पे पहला हमें बिहार का वुमेन्स कबड्डी लीग देखने को मिला। ये यहाँ पे 10 जून से लेकर 16 जून तक हुआ था पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में, जो कि लाइव ब्रॉडकास्ट भी किया गया था DD स्पोर्ट्स पे, जिसमें 6 वुमेन्स की टीम पार्टिसिपेट की थी। एंड देखा जाए तो ओवरऑल काफी अच्छा गया, इसके फोटोज भी काफी आए एंड फाइनली कंक्लूड हो चुका है। एंड कौन सी टीम चैंपियंस बनी है, सिवान टाइटन्स करके एक वुमेन्स कबड्डी टीम है, वो यहाँ पे फर्स्ट एवर वुमेन्स कबड्डी लीग या फिर बिहार वुमेन्स कबड्डी लीग की चैंपियंस बनी है। तो काफी अच्छे तरीके से ये ऑर्गेनाइज किया गया एंड उम्मीद करते हैं इसके और सारे एडिशन हमें बिहार में देखने को मिले एंड बाकी सब स्टेट्स लेवल्स में भी देखने को मिले। तीसरे अपडेट की बात करते हैं तो एक नया कबड्डी लीग शुरू होने वाला है जो बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। अभी जून के महीने में ही इसका ऑक्शन हुआ, मैं बात कर रहा हूँ UPKL के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग, जिससे आप समझ सकते हो कि उत्तर प्रदेश का कबड्डी लीग होने वाला है जिसमें यूपी के प्लेयर्स खेलते हुए दिख जाएंगे। तो इसका ऑक्शन हुआ 10 जून को एंड नोएडा में ही ऑक्शन हुआ एंड 8 टीम्स होने वाली है फर्स्ट एवर उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग में। एंड ऑक्शन की बात की जाए तो इंटरेस्टिंग 350 से 400 प्लेयर्स यहाँ पे इन पे बोली लगी थी एंड बेस प्राइस भी काफ़ी अच्छा था। कैटेगरी ए के 1 लाख, कैटेगरी बी का 60,000, कैटेगरी सी का 40,000 एंड कैटेगरी डी का 25,000 था। एंड ऑक्शंस में जो टॉप 5 एक्सपेंसिव प्लेयर्स थे, सबसे ज़्यादा महंगे अर्जुन देसवाल थे जो यहाँ पे 3.10 लाख में बीके लखनऊ लायंस की टीम ने खरीदा। सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर विनय तेवतिया थे जिन्हें यमुना योद्धास की टीम ने खरीदा 3.10 लाख में। एंड तीसरे एक्सपेंसिव प्लेयर अभिजीत मलिक थे जो कि जयपुर की टीम में थे, उनको यहाँ पे संगम चैलेंजर्स ने 2.60 लाख में खरीदा। एंड फोर्थ मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर आशू सिंह थे 1.50 लाख में, अवध रामदूत की टीम ने खरीदा। एंड फिफ्थ नंबर पे है अमित नागर जिन्हें 1.40 लाख में नोएडा निंजास ने खरीदा। तो अच्छा खासा पैसा भी यहाँ पे कबड्डी प्लेयर्स को मिला है एंड उम्मीद करते हैं कि पहला सीजन काफी अच्छे से कंडक्ट हो। एंड डेट्स की बात की जाए तो डेट्स भी यहाँ पे अनाउंस हो चुका है, साथ ही में लाइव स्ट्रीमिंग भी अनाउंस हो चुका है। तो उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग सीजन 1 हमें 11 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक देखने को मिल जाएगा, जिसमें 8 टीम्स पार्टिसिपेट करने वाली है एंड सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने इसका मीडिया राइट्स खरीद लिया है। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल्स पे आपको उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग लाइव देखने को मिल जाएगा एंड मोबाइल पे आपको सोनी लीव एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएगा। तो काफी अच्छा इनिशिएटिव है एंड उम्मीद करते हैं कि ये सक्सेसफुल हो एंड और भी सारे हमें कबड्डी लीग्स इंडिया में देखने को मिले। अब यहाँ पे पांचवें अपडेट की बात करते हैं तो ये अच्छा अपडेट नहीं है, राहुल चौधरी ने ये सिग्नल दे दिया है कि अगला प्रो कबड्डी का सीजन इनका आखिरी सीजन होगा। राहुल चौधरी स्टार्टिंग से ही प्रो कबड्डी खेलते आ रहे हैं, हमें स्टार्टिंग में तेलुगु टाइटन्स के जर्सी में खेलते हुए दिखे, फिर सीजन 7 में तमिल थायावास में चले गए, सीजन 8 में पुनेडी पल्टन की टीम से खेले, ज़्यादा खेलते हुए नहीं देखे उस सीजन, सीजन 9 से जयपुर पिंक पैंथर्स से खेलते आ रहे हैं। एंड अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग का ऑक्शन हुआ तो उसमें खेलना हो, टीवी ने यहाँ पे इनसे इंटरव्यू किया तो उसमें साफ साफ इंडिकेट कर दिया है कि अगला सीजन इनका आखिरी सीजन होगा। एंड इन्होंने ये कह दिया कि अगला सीजन अच्छा हो या फिर ना हो, ये इनका आखिरी सीजन होगा एंड कबड्डी से गुड बाय कह देंगे। एंड और भी कुछ यहाँ पे इन्होंने कहा
तो आप अपने स्क्रीन पे पूरा स्टेटमेंट देख सकते हो। ये काफी सैड न्यूज है एंड उम्मीद करते हैं कि पीकेएल 11 के ऑक्शन में जयपुर पिंक पैंथर्स या फिर कोई भी टीम इनको खरीदे एंड एटलीस्ट 3 से 4 मैचेस हमें राहुल चौधरी या फिर आखिरी मैच में राहुल चौधरी खेलते हुए दिख जाए। 6th अपडेट की तरफ बढ़ते हैं तो ये इंटरनेशनल कबड्डी न्यूज है। सीता दहल वुमेन्स इंटरनेशनल कबड्डी चैंपियनशिप स्टार्ट हो चुका है। ये वुमेन्स का इंटरनेशनल कबड्डी चैंपियनशिप है जो कि 18 जून से लेकर 22 जून तक खेला जाएगा। कल से ये शुरू हो चुका है एंड कौन कौन से कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है, तो 4 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड इंडोनेशिया। देखा जाए तो ईरान भी करने वाली थी लेकिन यहाँ पे ईरान ने ये डिसाइड किया कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो कल पहला दिन था एंड पहले दिन के रिगार्डिंग कोई ऐसा स्कोर अपडेट्स नहीं मिला लेकिन कुछ इमेजेस आए हैं आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। एंड आज दूसरा दिन है एंड उम्मीद करते हैं कि और भी वुमेन्स एंड मेन्स का इंटरनेशनल कबड्डी इवेंट समय देखने को मिले। अभी रिसेंटली बंगाबंधु कबड्डी कप एंड हुआ है एंड ऐसे और भी छोटे छोटे इंटरनेशनल कबड्डी इवेंट्स हो गए तो कबड्डी ग्रोथ के लिए काफी अच्छी बात होगी। अब आखिरी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं तो जैसे कि मैंने आपको वुमेन्स इंटरनेशनल कबड्डी के बारे में बताया, मेन्स इंटरनेशनल कबड्डी इवेंट भी अभी शुरू होने वाला है जो मैं बात कर रहा हूँ अफ्रीका कबड्डी चैंपियनशिप के बारे में, जिससे आप अफ्रीका कबड्डी कप 2024 भी आप कह सकते हो एंड ये शुरू होने वाला है 23 जून से लेके 30 जून तक केनिया होस्ट करने वाली है। एंड अच्छी बात यह है कि 10 टीम्स पार्टिसिपेट करने वाली है एंड ये ऑफिशियली आप कंफर्म नहीं मान सकते हो लेकिन आप ये कह सकते हो कि 10 टीम्स अभी प्रपोज हुई है। जब शुरू होगा तो कितनी टीम्स खेलती है देखने वाली बात है। तो अभी फिलहाल जो 10 टीम्स है आप देख सकते हो, केन्या खेलने वाली है, जाम्बिया, मलावी, सूडान खेलने वाली है, फिर यहाँ पे जंजीबार खेलेगी, उगांडा, तंजानिया, वांडा, DRC एंड बुरुंडी खेलने वाली है। 10 कंट्रीज हमें अफ्रीका कबड्डी कप 2024 में खेलते हुए दिख सकती है एंड ये भी इंटरनेशनल मेंस कबड्डी इवेंट होने वाला है। जो इंटरनेशनल कबड्डी देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं लेकिन कहाँ पे लाइव होने वाला है अभी फिलहाल ये कंफर्म नहीं हुआ है। सो ये थे 7 बड़े अपडेट्स कबड्डी के रिगार्डिंग एंड उम्मीद करते हैं कि हमें और भी ऐसे अपडेट्स एंड प्रो कबड्डी के अपडेट्स देखने को मिले। एंड वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8s का जो राउंड है वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। अब डेली 2 मैचेस हो गए एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग मैचेस हो गए एंड आपको मैचेस के प्रेडिक्शन चाहिए तो आप राजा क्रिकेट एनालिस्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द ज्वाइन कर चुके हो गए, आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको राजा क्रिकेट एनालिस्ट टेलीग्राम चैनल का दे देने वाला हूं बिल्कुल फ्री में। आप राजा क्रिकेट एनालिस्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो एंड आपको अभी तक नहीं पता है प्रो कबड्डी सीजन 11 का ऑक्शन कब होने वाला है तो उस पर मैंने वीडियो बना दिया है, अभी आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए एंड जान लीजिए कब होगा पीकेएल 11 का ऑक्शन। तब तक मिलते हैं उसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।